आदरणीय गुलजार दादी पहुंच चुकी हैं। सब साइलेंस में रहेंगे, साइलेंस से शिव बाबा के झंडे लहराए। दादी जी हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं, शिव बाबा के झंडे लहराए। कोई खड़ा नहीं होगा, बैठ जाए। झंडे लहराते रहे। हेलो सिपल करो ना, छोटे रहे थे ना, वहां पे हम लोग को स्पेस मिल गया, ज्यादा अच्छा मिल गया, तो हमने वहां पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ वाला हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अंबर पे आँख उठाए, मन तो उड़ता ही जाए, संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तो लुटाए, दिव्य चितवन से नस नस को भर दे आज आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। पधारे गुल खिल जाते हैं न्यारे, गुलशन तो महक जाए, तू जो इसे सवारे, हर गुल में भरते बाबा तू खुशबू स्वर्ग किसी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा। स्टडी कैम पीछे कर लेना, स्टडी कैम। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। जिम जिप जिम जिप। जोर से फ्लैग हिलाइए, जोर से फ्लैग हिलाइए, वेरी गुड, जोर से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, वेरी गुड, जोर से हिलाइए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, जोर से बोलिए ओम शांति, वेरी गुड, फिर से बोलिए ओम शांति, प्रभु मिलन की, ओम शांति, सभी भाई बहने झंडे नीचे कर दे, सभी भाई बहने झंडे नीचे रखे। अभी आदरणीय दादी जी बाप दादा
वतन में जाएंगे और बाप दादा हमारे समक्ष आएंगे, सभी प्यारे बाबा की याद में बैठे, झंडे हिलाना बंद करें, दादी की तरफ देखें, बाप दादा का आह्वान करें, झंडे हिलाना बंद करें, झंडे अपने पास गोदी में रख लें,
ये दुनिया विकार
सुबह 25,000 आए हैं आपसे मिलन मनाने के लिए। 25,000 आए हैं, डबल विदेशी भी आए हैं 600 और भारतवासी आए हैं 24,000। 25,000 आए हैं, ये सब नया साल आपसे मनाने आए हैं, तो नए साल पर कुछ सुनना चाहते हैं। बोलो ना। बोलिए बाबा। ओम शांति। ओम शांति। नए साल पे कुछ इनको मुबारक दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। मेरे बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा प्यारा बाबा शुक्रिया बाबा बाबा आप बाबा यहाँ बैठे हो। शुक्रिया बाबा। हम तो दर्शन करके प्रसन्न हुए हैं, दर्शन बाबा का सुनने चाहते हैं ना बाबा। आपका बनने से सुख मिलता है लाई है ना। नए साल के मुबारक दो ना। नए साल के मुबारक। सभी जो भी बैठे हैं, परिवार एक ही परिवार है, ऐसा परिवार कभी सुना था देखा था नहीं। ऐसा अलौकिक परिवार अभी ही देखा और अभी ही भविष्य के लिए तैयार। सभी उस नए सा नया वर्ष कितना बढ़िया आप सब भी भविष्य की
परिवार के पात्र तैयार दिखाई दे रहे, सभी भाई बहनें आपसे नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं, तो नए वर्ष की शुभकामनाएं, बधाई, जैसे भी आप नए वर्ष की, नए सभी को नए वर्ष की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। में क्या नया करना है हमको? नए बरस में क्या नया करना है? नए वर्ष में दया तो दिखाना ही है, लेकिन ऐसा दिखाएं जो जन्म जन्म हमारी प्रलब्ध इसकी हमारे साथ। नए वर्ष को क्या नाम दें? इस नए वर्ष में सो उन्नति और सेवा के लिए क्या नाम दें जो सारा वर्ष उसके ऊपर हमारा ध्यान रहे? नए वर्ष को समापति वर्ष, श्रेष्ठ वर्ष और दुनिया के जगाने का वर्ष माने और देखें कैसे ये वर्ष भी कमाल दिखाते। ब्राह्मणों के लिए बाबा विशेष
अपनी उन्नति के लिए क्या ध्यान रखना है, सो उन्नति के लिए। ब्राह्मणों की सो उन्नति के लिए क्या करें, क्या पुरुषार्थ करें? ब्रह्मा जो भी सभी है वो सब उमंग में है कि क्या होगा, लेकिन जानते भी है कि क्या होगा। अभी तो नई दुनिया का सभी स्वप्न देख रहे हैं कि अभी नया वर्ष, नई रीत, नई प्रीत, सब नया नया बदल रहा है। जैसे युग बदल रहा है वैसे युग के साथ सब रीत रवाज कायदे सब उसी परमार चल रहे। तो आज अपने नए संसार में जाने की यही संकल्प करना है कि हमें पास तो होना ही है, दो पास, एक ये पास जाने की, दूसरी पास वैसे ही इम्तिहान की, वो भी पास मिलनी है। पास तो आपको मिलेंगी लेकिन पास के साथ यही भाई बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपने को किसी भी रीति से पास जरूर कर। समय पास करने का है, इसके लिए अभी अपना भविष्य चेक करो और भविष्य के ऊपर अटेंशन दो। पास करना अर्थात सब कुछ होते हुए भी भविष्य का जो भविष्य है उसको पास करने के लिए इतना पुरुषार्थ कर रहा जो यही भविष्य हमारे साथ रहे और पास 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 ये सबके मुख से यही निकले पास पास। सभी की शिकलियाँ बता रहे हैं कि सभी ने अभी तो पुरुषार्थ किया है, पहले पीछे किया नहीं किया वो बात और है, लेकिन अभी इस समय सभी ने फुल पास की एम रखी है और वो होंगी। ब्रह्मन है, ब्रह्मन है तो ब्रह्मन ब्रह्मनों को पहली पहली
सौगात यही है और सभा सारी सभा के अंदर यही उमंग है। तो अब जल्दी जल्दी ये पास हो जाए तो कितनी खुशी होंगी सबको। सभी खुश है कि अभी हम परिवर्तन होने वाले। बाबा आपको देश के सभी सेंटर्स पर और विदेश के सभी सेंटर्स पर भाई बहने देख भी रहे हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा तथा अन्य चैनल्स के द्वारा, और सुन भी रहे हैं। तो सारे देश विदेश के भाई बहनों के लिए कोई दो शब्द नए वर्ष के लिए, जैसे आप बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, जो आपको सारे विश्व के भाई बहनों के हिसाब से प्रेरणा आए वो सुनना चाहते हैं। बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं आपको और इंतजार कर रहे हैं कि आज हमारे लिए बाबा क्या कहेंगे। सभी अपने को क्या समझते है? समझते हैं कि हम रात का तो है ही, समझते है पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, कैसा होगा, इसके विचार भले चले लेकिन ठहर नहीं जाए। ये ठहरना अच्छा नहीं। अभी तो हमको राज भाग लेना है। राज अपन पर, दूसरों पर तो लगता ही है, ये तो प्रसिद्ध हो रहे आज का स्वदर्शन। बहुत बड़ा है और सब पर्सन इस विषय पर है या दूसरी कोई विषय सामने है। जैसे अभी का राज है वैसे अभी इससे भी मजबूत राज आपका आ गया। हर एक इसको भविष्य को देख खुश हुआ है और आगे की प्रेरणा ले रहे। बाप दादा भी बच्चों को देख खुश है और समझते हैं कि
बहुत कुछ मिल गया है और मिलना ही है। बाबा सेवा का टर्न महाराष्ट्र जोन का है, 15,000 महाराष्ट्र वाले आए हैं। अच्छा है, केवल उठेंगे नहीं, केवल हाथ हिलाइए महाराष्ट्र वाले। सब उमंग उत्साह में है। महाराष्ट्र बॉम्बे आंध्र और तेलंगा ऐसे इनको कहा जाता है। बाप दादा भी बच्चों को देख खुश है, तो हर एक बच्चे पुरुषार्थ कर अपना या बाप का नाम प्रसिद्ध कर रहे हैं। बाबा एक बात और पूछनी है, सभी ब्राह्मणों को मिलकर कौन सा एक संकल्प करना चाहिए? सभी ब्राह्मणों को मिलकर वर्तमान समय के अनुसार कौन सा एक संकल्प इकट्ठा करना चाहिए? ये तो अधिकार है आपका, इसलिए इस अधिकार को प्रेजेंट करने के लिए बाप देख रहा था कौन कौन क्या कहाँ तक पहुँचे हैं। काफ़ी पुरुषार्थ अच्छा की आगे आगे विजय भी है। शिव बाबा ने देखा तो अभी ऐसा पुरुषार्थ किए है, तो बाबा ने अभी देखा कि लास्ट तक सब लक्ष्य जो रखा है वो प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे, यही सभी को उमंग है। और इस उमंग से ये ग्रुप आगे बढ़ता जाता है। हर एक बच्चे के ऊपर विजय निश्चित है। विजय तो है, लेकिन ये विजय अपने आत्मविश्वास भी और फिर परिवार के निश्चय जी दोनों का मिला हुआ राज में काम में आए। संस्कार मिलन के लिए संस्कार मिलन के लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी अभी तक उसमें फिर भी सफल नहीं है, तो वो सफलता संस्कार मिलन की कैसे होगी बाबा? उसका क्या सहज तरीका है? अभी तक एरिया के लिए, कुछ और बातों के लिए आपस में संस्कार नहीं मिलते हैं, बेहद में बुद्धि कैसे ले जाएं जो इन सब बातों से हम ऊपर चले जाएं? सभी के पास लक्ष्य है,
तो हमको ये जाना है, ये सारा प्लान है सभी के पास। अभी उस प्लान के ऊपर अटेंशन थोड़ा ज्यादा रहे, बस ना आवे। बस ना आने के लिए थोड़ा सा अटेंशन किसमें देवे कि हमारे अंदर जो परिवार का प्यार है, परिवार का प्यार संगम पर ही ज्यादा अनुभव कर सकते हैं, फिर तो नेचुरल हो जाएंगे। ये भूल तो, जाते हैं, ये हाँ। भूल जाते हैं कि ईश्वरी परिवार 5000 साल के बाद इसी रूप में आकर के मिलता है। इतने वर्षों के बाद इन्हीं स्वरूप में मिलते हैं, ये भूलने के कारण फिर आपस में थोड़ा बहुत संस्कारों के मिलन में और सहज हो जाए। अगर ये दिल में आ जाए कि हम पूरा कल्प अलग रहे, भले साथ में पाठ बजाते होंगे पर नाम रूप तो याद नहीं था, अभी इस नाम रूप से आपस में मिले हैं तो कितना आपस में प्यार होना चाहिए, ये भूल जाता है, कंपटीशन में आ जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री रोल कैसे सबका हो, आपस में मिलकर के कैसे आगे बढ़ें, उसके लिए एक लक्ष्य आपकी तरफ से, सबको एक लक्ष्य मिल जाए, उस निशाने की तरफ हम जाएं। क्या लक्ष्य रखें? लक्ष्य यही रखें कि होना ही है, सभी यही सोच रहे हैं कि ये इस बात पर क्यों सोच रहे हमारी पढ़ाई ठीक है और पढ़ने वाले भी ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन तो है। अभी यही लक्ष्य रखो कि किंगडम बननी है, उसमें आपका पार्ट सहयोगी बनने का नहीं, लेकिन खुद अपने को लायक बनाना। अटेंशन अपने पर देना ये जरूरी, और बाबा ने देखा कि सबको इसका बहुत ख्याल है कि बनना ही है, बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार नंबर लेंगे, लेकिन पहले ये ध्यान रखो अभी तो हम जैसे पूछते हैं बाबा वैसे आप भी आपस में रूह ध्यान करके जो राजधानी का सीट है वो अवश्य लेंगे। तो अभी ये संकल्प रखो तो अब राजधानी में क्या सीट लेना है, राजधानी में
बैठे तो है अभी दिल्ली के राजधानी में, लेकिन अभी दिल्ली राजधानी के साथ और भी राजधानी बुद्धि में रखनी। क्यों कहते सारी सीट तो शक्तियों को दे दिया है? नहीं, वो हमेशा ही देखा गया है कि जब रेस होती है ना, तब माताएं कन्याएं ये नंबर देते थे। जब फाइनल होता है तो यही रिजल्ट। क्योंकि आपके पास भी लक्ष्य है कि हमको नंबर देना है और पास होना है, तो बाप दादा या ड्रामा दोनों तरफ ध्यान रखते थे। कौन सी बात पे हम फॉलो फादर करना चाहते? फॉलो फादर का अगर अटेंशन है तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में सब प्रैक्टिकल दिखाई देना चाहिए, तो सभी की अभी जैसे बाप चाहता है वैसे ही हो रही, लेकिन टाइम पर तो हो जाती, सदा हो गए ये बात है, तो वो भी हो रही है और होंगी, इसलिए ये भी फिक्र नहीं है। सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं और अभी सभी के बुद्धि में यही है कि हम नंबर जरूर देंगे, हो जाएंगे, तैयारी हो गई। कुछ है सदा उम्मीदवार रहे, उम्मीद और उम्मीद होनी है ना, ये तो हुआ ही पर है, बाकी सिर्फ बीच बीच में थोड़ा सा रूप बदलता है, तो वो बदलते हुए रूप को किसी न किसी रीति से कोई बात होती है तो हो ही जाती, इसलिए बाप दादा भी इतना नहीं कह सकता है, क्योंकि पुरुषार्थ का स्वरूप दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देता है, देता है लेकिन सदा नहीं देता। कभी कैसे कभी, अभी इसको स्थिर करो और सब जोश दिखाओ, तो हम सब तैयार हैं पेपर देने के लिए, देने के लिए तैयार है। सभी पूछो सभी से। पेपर देने के लिए तैयार है और उम्मीद है तो प्राप्ति भी इतनी है। वो नशा
रहता नहीं है, रहता है बीच बीच में थोड़ा टाइम आता है क्योंकि पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन ये नशा सदा रहे इसका भी अभ्यास चाहिए। अटेंशन देना थोड़ा पड़ेगा, पढ़ाई है ना, पढ़ाई में किस किस में अटेंशन दिया जाता है वो आपको अनुभव नहीं है ना। इसलिए सभी को नए साल की मुबारक भी हो, और इस नए साल में कदम आगे बढ़ाने का वरदान है। बाप दादा ने हम सबको नए वर्ष की मुबारक दी, वरदान दिया, नए वर्ष में क्या पुरुषार्थ करना है उसके बारे बताया। अब बाप दादा, दोनों दादियाँ और दोनों वरिष्ठ भाई कैंडल लाइटिंग करेंगे और हम सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अपने स्थान पर बैठ करके करतल ध्वनि से बाप दादा के साथ हम सब मिलकर के कैंडल लाइटिंग करेंगे, साथ साथ बाद में भी आप सब बैठे रहेंगे, आप सभी को भी बाद में कैंडल लाइटिंग का भी मौका मिलेगा। अभी केवल बाप दादा, दोनों दादियाँ और दोनों वरिष्ठ भाई कैंडल लाइटिंग करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर बैठ करके करतल ध्वनि से हैप्पी न्यू ईयर कैंडल लाइटिंग करते हुए बाप दादा को बहुत बहुत थैंक्स देंगे। नए वर्ष की मुबारक के साथ साथ बाप दादा दोनों दादियां देखो नवा साल आया, और जैसे ही केक काटेंगे हॉल में बैठे हुए भाई बहनों को सेवादारी भाई बहने टोली देना आरंभ करेंगे। नवे साल दा सूरज चढ़िया कर ले दूर हनेरे, फड़ ले सच दा लड़ तू मित्रा फिर कर चानन तेरे। ओ नवे साल दा सूरज चढ़िया फड़ ले सच दा लड़ तू मित्रा फिर कर चानन तेरे। लिखाओ मंगा नमियत खुशी गॉड ऑफ गॉड्स अजन्मा का जन्म फिल्म के 9 गीतों का उद्घाटन बाप दादा के हस्त कमलों से किया जा रहा है। इस फिल्म को ब्रह्मा कुमारी फिल्म डिवीजन और डिवीजन डिवाइन विजन इंटरनेशनल हैदराबाद के द्वारा बनाई गई है। ये फिल्म महाशिवरात्रि पर सिनेमा थिएटर्स में रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जगमोहन गर्ग भाई डेली और IMS रेडी हैदराबाद, राइटर डायरेक्टर एंड एडिटर
Brother Venkatesh, Film Division Shanti One, Music Director Lakshmikant Pyarelal, Vishwa Malik Lakshmi Narayan. Badhai ho, badhai ho, badhai ho, badhai ho, badhai ho. हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को टोली देना आरंभ करें और जो भी भाई बहने खड़े हैं वे सब बैठ जाएं। श्री बाबा के झंडे अभी नहीं हिलाएं, बाबा ने पहले देख ही लिया है। सब बैठ जाए, रेलिंग के पीछे खड़ी हुई माताएं बैठ करके टोली लेंगी और सेवाधारी भाई बहने ध्यान देंगे, सबको बिठा दें और श्री बाबा के झंडे अपने हाथ में रखें, हिलाए नहीं, क्योंकि अब इसके बाद फिर कार्यक्रम है। दादियाँ और वरिष्ठ भाई बहने सभी को मिल करके कैंडल लाइटिंग करेंगे, केक काटेंगे और नए वर्ष की मुबारक हम दादियों से वरिष्ठ भाइयों से भी सुनेंगे, इसलिए सब भाई बहने बैठ जाएं। स्वयं प्रकाश देवो श्री सोमनाथ महादेव। बाप दादा वरदानी बोल अभी फिर से बोलेंगे, सब बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाएं। अपने को भरपूर और बाप समान समझ, ऐसे अपने को सदा तैयार रखना है। अपने जो भी समय है उस समय में अपने को ऐसे ही तैयार करो जैसे बाप चाहते हैं, कि जैसे बाप सर्वगुण संपन्न है, ताज तख्तधारी है, ऐसी ये विशेषता है। हर एक बच्चा अपने में अनुभव करे, अभी भी समय है, जो कुछ रहा हुआ है वो सब अपने में धारण करके धारणा रूप का साक्षात्कार कराओ। अभी क्या करें, ऐसे होगा नहीं, इसका क्वेश्चन पूछने की बात ही नहीं। अभी बाप ने सबको हिम्मत दी है, उमंग दी है, तो उसी हिम्मत और उमंग इन दोनों को साथ लेकर आप भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। बाप दादा वरदान दे रहे, सब वरदान सुनो, कोई आवाज नहीं करे, विदाई कर। बाप दादा के वरदानी बोल सुने, सब बैठ जाएं। तो मैं बोलूंगी नहीं, आप बोलो विदाई कर। सभी भाई बहने बैठ जाएं, कोई आवाज नहीं करी, बाप दादा वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। विदाई का गीत बजाइए। अभी बाप दादा हम सब से विदाई ले रहे हैं, सब अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, उसके बाद हम सब दादियों के साथ और वरिष्ठ भाइयों के साथ कैंडल लाइटिंग करेंगे, केक काटेंगे और नए वर्ष के लिए भी दादियों से वरदानी बोल सुनेंगे।
देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो शांति। अभी प्यारे अव्यक्त बाप दादा हम सबसे विदाई ले रहे हैं। दादी जी वापस कॉटेज जा रहे हैं, लेकिन मेहरबानी करके आप सब अपने स्थान पे बैठे रहो। आज आपको 12 बजे तक जागना है, मैं वैसे ही बोल रही हूँ। आपको आधा पौना घंटा यहाँ बैठना है शांति से। हमारे वरिष्ठ भाई बहने शुभकामना सुनाएंगे, कैंडल लाइटिंग होगी, केक कटिंग होगी, गीत होगा, कैंडल लाइटिंग भी होगा, केक कटिंग भी है, नए वर्ष का गीत भी है। सब बैठे रहें। निभा रही हो सब हाथ हिला करके बाबा के रथ को मुबारक दे, एक हाथ हिला करके बाबा के रथ को मुबारक दे सकते हैं। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली, शांत शीतल सादगी वाली, मीठी मीठी दादी हमारी हो, मीठी मीठी दादी हमारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी, तुम सबकी प्राण प्यारी हो, तुम सबकी प्राण प्यारी हो। सभी भाई बहने बैठ जाएं और अभी हम अपने वरिष्ठ भाइयों से नए वर्ष की मुबारक सुनेंगे। सबसे पहले मैं निवे भाई जी से निवेदन करती हूँ कि नए वर्ष की शुभकामनाएं दें। उसके बाद आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी नए वर्ष की शुभकामनाएं देंगे। निवे भाई को माइक दें। सब भाई बहने बैठ जाएं। अभी निवे भाई
नए वर्ष की शुभकामनाएं देंगे जी। अभी कैंडल लाइटिंग बाद में, सब बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, आगे कोई नहीं आए, 5-10 मिनट के बाद आपको बुलाया जाएगा। अभी निर्भय भाई जी नए वर्ष की शुभकामना सुनाएंगे। 2-3 मिनट ओम शांति। सभी भाई बहने बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बीते वर्ष की ओम शांति और आने वाले वर्ष की बहुत बहुत बधाई, उसके लिए खूब सारी ताली बजाओ आप। नए वर्ष में ईश्वरी जीवन में नया उमंग हो, नए विचार हो, उड़ती कला का अनुभव हो और सबके साथ जिगरी बहुत प्यार हो, किसी को भी आँख ना दिखाना, सबको प्यार की दृष्टि देना, ताकि सत्युगी संसार की अभी से नीम पड़ जाए। सत्युग में कोई किसी को आँख नहीं दिखाते हैं, एक दो को देख करके मीठा मुस्कुराते हैं। तो बाबा ने जिस तरह से आज का वरदान दिया है, अब उसकी तैयारी करें, सत्युगी संसार में चलने की तैयारी करें। और उसका सहज तरीका है, मीठे मुस्कुराओ और मीठे बोल, मीठे शब्द, उसकी मिठाई खिलाओ एक दो को। दूसरी मिठाई तो मिलनी है, लेकिन साथ साथ ये शुभ भावना के बहुत मीठे बोल एक दो के लिए बहुत आवश्यक है। जितना हो सके अपने मन को सदा पॉजिटिव रखना और पॉजिटिविटी का वातावरण अच्छा बनाना, उसके वाइब्रेशन फैलाना। संसार में नेगेटिविटी बहुत है और उसको काउंटरैक्ट करने का तरीका ही है कि हम अपनी भावनाएं जो हैं बहुत पॉजिटिव रखें और पॉजिटिविटी को सारे विश्व में फैलाने का पुरुषार्थ करें। ओम शांति। नए वर्ष की फिर से बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इसके बाद ब्रिजमोहन भाई जी से नए वर्ष की मुबारक सुनेंगे। भ्राता ब्रिजमोहन जी। ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने हमको पिछले वर्ष को विदाई देने और नए वर्ष में क्या करना है ये बता दिया है। बाप दादा ने कहा है अगला वर्ष को समाप्ति वर्ष मनाना है, फाइनल करने के लिए फुल ज़रूरी होता है, तब फुल एंड फाइनल होगा। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि संगम युग पर आज के दिन हम संगम युगी शरीरों में हैं, और संगम युगी शरीर का एक सेकंड कितना वैल्यूएबल होता है वो बाबा ने हमें बताया है। और इसी शरीर में हम जो कुछ भी सफल कर सकते हैं उसके ऊपर हमारे 21 जन्मों का आधार है। बाकी आप समझदार हैं, मेरी तरफ से आपको नए वर्ष की बहुत 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 शुभकामना। अब इसके बाद हम सुनेंगे आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी से नए वर्ष की मुबारक, और उसके बाद सुनेंगे आदरणीय दादी जानकी जी से नए वर्ष की मुबारक। ओके, पहले कैंडल लाइटिंग होगा, भाई सभी मेरी तरफ आ जाए, बहनें उस तरफ जाएंगी, बहनों की तरफ कैंडल लाइटिंग के लिए, भाई सब मेरे पास मेरी तरफ आ जाए। मेरा माइक तो इधर दे दो।
माइक तो माइक सहित मेरे को बाहर ये देखो माइक सहित बाहर कर दिया। चलो बीच के स्टैंड पर केवल दादियां और वरिष्ठ भाई बहने और भाइयों की तरफ भाई कैंडल लाइटिंग करेंगे, बहनों की तरफ जो कैंडल लाइटिंग स्टैंड है वहां पर बहनें कैंडल लाइटिंग के लिए जाएंगे। मधुरवाणी ग्रुप बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेगा। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि जिन भाई बहनों ने सौगात नहीं ली है, कल प्रातः मुरली क्लास के बाद नाश्ते से पहले
कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठेंगे, उन्हें सौगात मिलेगी। अभी मधुरवाणी ग्रुप गीत गाएंगे नए वर्ष के लिए। मधुरवाणी ग्रुप गीत गाएंगे। नए वर्ष के लिए मधुरवाणी ग्रुप गीत प्रस्तुत करने जा रहा है। ओ बाबा डियर बाबा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, व्यक्त में हो अव्यक्त में हो बाबा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मधुरवाणी ग्रुप बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करने जा रहा है। सभी भाई बहने नए वर्ष की मुबारक गीत के रूप में सुनकर के जाए। मधुरवाणी ग्रुप हैप्पी न्यू ईयर प्यारे बाबा को कर रहे हैं। आप सभी भी मधुरवाणी ग्रुप के साथ गीत सुन के जाएंगे। सब मस्ताने प्यार नए कुछ दोस्त पुराने, मस्ती में है सब मस्ताने प्यार नए कुछ दोस्त पुराने, शायर आशिक और दीवाने। एक जगह पर जमा हुए हैं शहर के सब आपके नाम। ओम शांति। नहीं चेक कराओगे ना, चेक व्यक्त में हो अव्यक्त में हो पर मिलते हमें हर हाल में, आपने मिलकर कर दिया वो बाबा खुशहाल हमें। ओ बाबा डियर हर दिल कह रहा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जोरदार तालियों के साथ हम सब हैप्पी न्यू ईयर करते हैं।
नव युग की लेकर बाहर देखो आया नया साल आया दादिया सर्व ब्राह्मण कुलभूषण, इसलिए सदा यही उमंग उत्साह यही खुशियां सदा बनी रहे और नए वर्ष में अपने आप को
संपन्न संपूर्ण बनाते बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का दृढ़ संकल्प लेंगे। और अभी आप सभी से अनुरोध है, जल्दी जल्दी हॉल से प्रस्थान करेंगे तो हॉल की सफाई की जा सके।